और अगले आम इंतखाबात ईवीएम पर होंगे या नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जरूरी नहीं कि बिल पास होने के बाद मशीनों को फौरी इस्तेमाल करें, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अभी ईवीएम को 14 मरहल से गुजरना होगा, मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। अगला इलेक्शन मशीन पर होगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते। मशीनों के फौरी इस्तेमाल के पाबंद नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पोजीशन वासे कर दी। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी कानून इंसाफ का इजलास, इंतखाबी असलाहत और ईवीएम से मुतालिक तफसीली गौर किया गया। अराकीन ने सेक्रेटरी उमर हमीद खान पर ईवीएम से मुतालिक सवालात की बौछाड़ कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया अभी ईवीएम को 14 मरहल से गुजरना होगा, मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें होंगी फिगर आउट करना बाकी है। मशीन रखने से मुतालिक सवाल के जवाब में भी सेक्रेटरी उमर हमीद खान ने मासूरी का इशार किया। बताया भारत को खुद को मशीन पर लाने में 20, ब्राज़ील को 22 साल लगे। जरूरी नहीं बिल पास होने के बाद मशीनों को फौरी इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।